The Lion King is a fascistic story. No remake can change that. Lion King एक फासीवादी कहानी है और कोई भी रीमेक उसे बदल नहीं सकता। 10 जुलाई 2019 को द वॉशिंगटन पोस्ट ने ये आर्टिकल पोस्ट किया था और इस आर्टिकल को जिसने लिखा है वो खुद लेफ्ट यानी वामपंथी है, लिबरल है, और उन्होंने इस आर्टिकल में चिंता जताई है कि आज दुनिया में जब फार राइट यानी एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी शक्तिशाली होते जा रही है, उनका इतना प्रभाव बढ़ते जा रहा है राइट विंग वाली पार्टीज़ का, शक्तियों का, और इस्लामोफोबिया बढ़ते जा रहा है, ऐसे समय में द लायन किंग जैसी कहानियों को रिविजिट करने की आखिर क्या ज़रूरत है? क्योंकि इसमें स्ट्रांग, ब्यूटीफुल और पावरफुल लोगों का सम्मान किया गया है और जो विद्रोही है, बागी है, सरकार का विरोध करने वाले हैं, समाज से बहिष्कृत और शक्तिहीन लोग हैं, उनका अपमान किया गया है, नीचा दिखाया गया है। अब ये जो महाशय है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इन्होंने जो हाइनाज है उनकी तुलना ब्लैक पीपल से, माइनॉरिटीज से, या सरकार का विरोध करने वालों से, बागियों से, उनकी तुलना की है। हाइनाज की तुलना माइनॉरिटीज से, ब्लैक पीपल से की है। और द लायन किंग को फासीवादी, वाइट सुप्रीमिस्ट, रेसिस्ट और पता नहीं ना जाने क्या क्या उन्होंने इस आर्टिकल में कहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्राइड रॉक जिस पर मुफासा खड़े होते हैं, उस प्राइड रॉक की तुलना उन्होंने ट्रम्प टावर से की है। अब देखिए दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी, जो कम्युनिज्म ये आइडियोलॉजी है या जो लेफ्ट लिबरल से, वो हमेशा जो सरकार का विरोध करते हैं, जो बागी है, विद्रोही है, सरकार का विरोध करने वाले हैं, हमेशा उनकी बात करते हुए नजर आते हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई सरकार का विरोध करना, उसी के ऊपर पूरी उनकी आइडियोलॉजी बेस्ड है। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? आज तक दुनिया में जहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट शासकों का शासन रहा है, वहाँ पर उन्होंने जिसने भी उनका विरोध किया, कम्युनिस्टों का विरोध किया, जो भी उनके विरोधी आवाज़ें थी, उनकी बहुत ही क्रूरता से इन कम्युनिस्ट शासकों ने हत्या की है। पूरी दुनिया में आप इनका इतिहास देख लीजिए उठाकर, 1, 2, 3, 4, 1,000, 2,000, 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे 110 मिलियन लोगों की हत्याएं इन कम्युनिस्ट शासकों ने की है, बहुत ही क्रूरता से। चाहे तो कंबोडिया के पॉटपॉल का शासन आप ले लीजिए या फिर चीन के माओ ज़ेडोंग का, हर जगह पर कम्युनिस्ट शासकों का शासन इसी प्रकार से रहा है कि उन्होंने कभी भी आलोचना सुनी ही नहीं या वो सुन सकते ही नहीं है। पर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करते हैं लेफ्ट लिबरल्स, ये जो कम्युनिस्ट है लेफ्ट लिबरल्स, ये तीनों ही थ्योरी के अनुसार अलग अलग है, थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकली ये तीनों ही ज़्यादातर एक ही होते हैं, चाहे कम्युनिस्ट हो, लेफ्ट हो, लिबरल्स हो, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये लोग सरकार का विरोध करने वालों की, बागियों की, विद्रोहियों की बात करते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, देखिए, जो खुद कभी आलोचना सुन नहीं सकते, जिन कम्युनिस्ट शासकों ने खुद आलोचना करने वालों की क्रूरता से हत्याएं की है, वे खुद सरकार की आलोचना करने वालों की बात करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और इस आर्टिकल में इन्होंने वही विद्रोही, बागी, समाज का विरोध करने वाले, माइनॉरिटीज़ वगैरह, उनकी तुलना हाइनाज से की है। सबसे पहली बात तो उन्होंने यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का ही अपमान किया है, हाइनाज से उनकी तुलना करके। इस आर्टिकल में ये लिबरल लेखक महाशय आगे लिखते हैं कि भाई अलादीन जो एनिमेटेड फिल्म थी वो इस्लामोफोबिक थी, और उसका डिज्नी ने जो अभी लाइव एक्शन रीमेक रिलीज़ किया कुछ ही महीनों पहले, वो कम इस्लामोफोबिक था। क्या उसमें एक जो जैस्मिन एक लड़की है अरब की, उसकी आज़ादी की बात की है, एक महिला सशक्तिकरण की बात की है, क्या इससे लिबरल्स को प्रॉब्लम है? पता नहीं, मतलब उनको प्रॉब्लम किस बात से, क्यों उनको अलादीन इस्लामोफोबिक लगा, पता नहीं। आगे सुनिए, द लिटिल मारमेड को उन्होंने मिसोजिनिस्टिक कहा है, नारी विरोधी, पता नहीं कैसे। इतना ही नहीं, आगे आप सुनिए, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आगे सुनिए। इस आर्टिकल में आगे लिखते हैं ये कि भाई डिज्नी की ये जो पूरी एनिमेटेड फिल्म्स है, उनकी जो पूरी फिल्मी दुनिया है एनिमेटेड फिल्म्स की, ये फिल्मी दुनिया बहुत ही रिजिडली हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड है, यानी बहुत कठोर विषम लैंगिक दुनिया। चलिए और आसानी से बताता हूँ, हेट्रोसेक्सुअलिटी मतलब एक स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षित होना, या फिर पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षित होना, यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होना। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलती है भाई, इसमें क्या गलत है भाई, पर लिबरल्स को इससे प्रॉब्लम है। उनका ये कहना है कि भाई ये जो डिज्नी की पूरी एनिमेटेड फिल्म्स की दुनिया है, ये बहुत ही कठोर विषम लैंगिक वर्ल्ड है, रिजिडली हेट्रोसेक्सुअल वर्ल्ड है, इसमें कोई लेस्बियन कैरेक्टर क्यों नहीं है, इसमें कोई गे कैरेक्टर क्यों नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम है। और इस वजह से आगे वो लेखक अपने इस आर्टिकल में आगे लिखते हैं,
कि इस बात से उन्हें बहुत खुशी हुई कि ब्यूटी एंड द बीस्ट का जो एनिमेटेड फिल्म थी उसका जब उन्होंने लाइव एक्शन रीमेक आज से कुछ 3 साल पहले, शायद 2 ढाई 3 साल पहले रिलीज़ किया था, तो उसमें डिज्नी ने एक ओपनली गे कैरेक्टर इंक्लूड किया था ब्यूटी एंड द बीस्ट के लाइव एक्शन रीमेक में। और इस बात की इन लेखक महाशय को बहुत खुशी है कि चलो डिज्नी ने एक ओपनली गे कैरेक्टर कम से कम एक एनिमेटेड फिल्म में, एक लाइव एक्शन रीमेक में तो कम से कम उन्होंने ऐड किया। पर देखिए, मैं कम से कम इस बात से एग्री नहीं हूँ। देखिए, जो व्यक्ति जिस प्रकार से भी जीना चाहता है बिल्कुल जी सकता है, और किसी के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर हमें किसी के ऊपर कोई कमेंट करने का कोई अधिकार भी नहीं है। सबको अधिकार है, सब अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं। अब दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें किसी के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेकर कमेंट नहीं करने चाहिए। मैंने जब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जो सोनम कपूर की फिल्म थी उसके रिव्यू में भी ये बात क्लियरली कही थी कि भाई हमें बिना मतलब का किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है, इसको जैसा जीना है जीने दो। तो फिर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम क्या है इस लेखक के इस बात से कि भाई डिज्नी की ये जो वर्ल्ड है ये रिजिडली हेटरोसेक्सुअल है और उन्हें कुछ गे लेसबियन वगैरह कैरेक्टर्स ऐड करने चाहिए। देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एनिमेटेड फिल्म्स होती है वो बच्चों के लिए होती है, और कम से कम बच्चों को 18 साल का तो हो जाने दो यार, उसके बाद उनको तय करने दो उनका सेक्सुअल प्रिफरेंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। आप बचपन से ही उनका जो बचपन है, जो एक मासूमियत है, उस मासूमियत में ये सारी बातें आप क्यों उनके मन में डालना चाहते हो? मतलब आप बचपन से ही उनको उकसा रहे हो कि चलो हम ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ या फिर बायसेक्सुअल हूँ। मतलब बचपन में उन मासूम बच्चों के मन में ये सब डालने का क्या मतलब है, आप बताइए। और ऐसे कैरेक्टर्स आजकल फिल्मों में ऐड भी किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले। अभी मैंने पिछले महीने वो फिल्म देखी थी, देखिए द एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी ऑफ द फकीर, उसमें भी एक लड़की का कैरेक्टर ऐसा डाला गया था। वो लड़की बस एक लड़की के साथ में इसलिए सोती है, इसलिए शारीरिक संबंध बनाती है एक लड़की लड़ दूसरी लड़की के साथ में, क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि वो लेस्बियन है या नहीं, बस वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। बताइए, अभी पिछले महीने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी एक इंटरव्यू में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिबरल्स को पूरी तरीके से धोया था, और यही सेम बात उन्होंने उनके इंटरव्यू में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि भाई हमारे बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, उनको शांति से जीने दो। अब ये वीडियो आप देखिए। Ширно цитировалось и получило широкое обсуждение, особенно в части вашего отношения к либеральной идее. Явный перегиб, на мой взгляд, заключающийся в том, что действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально спокойное, абсолютно, которое нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Но послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, так, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Сейчас ведь, ну чего только нет. Я вот говорил тоже в этом интервью, 6 или 5 полов напридумывали. Я вот трансформеры, я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Ну вот, дай бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения, подавляет. Это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения. А ведь вот эти представители либеральной так называемой идеи, они ведь в последнее время просто навязывают, что в школах прямо диктуют необходимость там определенного так называемого там сексуального воспитания. Родители не хотят, их чуть ли не в тюрьму за это сажают. देखिए दोस्तों, आज पूरी दुनिया इन तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स के खिलाफ इकट्ठा हो गई है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, भारत हो, सभी जगह पर इस फेक लिबरलिज्म से, इस फेक फेमिनिज्म से सब लोग परेशान हैं। महिला सशक्तिकरण कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस फेमिनिज्म के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो बहुत भयानक है। ये लोग जो यंग जनरेशन है, उनके मन में नेशनल उनके मन से जो राष्ट्रवाद की भावना है वो हटा रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। ये लोग यंग जनरेशन को मॉरल वैल्यूज से दूर कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की भावना से दूर कर रहे हैं, फैमिली वैल्यूज से दूर कर रहे हैं, और पता नहीं टेररिस्ट के प्रति सिंपथी पैदा करना और क्या क्या नहीं ये लोग कर रहे हैं लिबरलिज्म के नाम पर, और ये सच में बहुत भयानक है। और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में लोग इस फेक फेमिनिज्म से, या जो जो ये तथाकथित सो कॉल्ड लिबरल्स है, इनसे लोग परेशान हो गए हैं सच में। और इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने भी उनके इंटरव्यू में कहा है कि भाई हमें
लोगों की भावनाओं का, उनके ट्रेडिशंस का, उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन लेफ्ट लिबरल्स को आखिर द लायन किंग से इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि द लायन किंग ये फिल्म मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, फैमिली वैल्यूज़ को प्रमोट करती है, एक पिता और पुत्र के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इन बातों से तो लेफ्ट लिबरल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि द लायन किंग कम्युनिज्म इस आइडियोलॉजी की धज्जियाँ उड़ाती है। सच में इसके ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। बस एक बात मैं छोटी सी यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि इस लेखक ने जो हाइनास की तुलना माइनॉरिटीज से की है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाइनास कोई माइनॉरिटीज़ का सिंबल नहीं है। माइनॉरिटीज़ तो मुफासा के शासन में, उनके प्राइडॉक साम्राज्य में और भी कई सारे होंगे, कई सारे ऐसे पशु पक्षी प्राणी होंगे जो बहुत ही कम संख्या में होंगे, तो उनके साथ तो कोई अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा। हाइनास ऐसे लोगों का प्रतीक है जो अपराधी है, जो कानून में विश्वास नहीं रखते, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते, जो राज्य के नियमों में विश्वास नहीं रखते, जो प्रकृति के नियमों में, बंधनों में विश्वास नहीं रखते, जो संयमी नहीं है। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का प्रतीक हाइनास को दिखाया है। और जो स्कार है वो किस प्रकार से उनको साथ मिले, वो इस पूरे विषय के बारे में मैंने हमारे उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले वीडियो में बात की है, द लायन किंग के, वीडियो आप ज़रूर देखना। पर ये जो तुलना उन्होंने की है माइनॉरिटीज़ के साथ में, ये पूर्ण रूप से गलत है। इसके बाद इस आर्टिकल का जो टाइटल है उसमें कहा गया है कि भाई द लायन किंग एक फांसीवादी कहानी है, फासिस्ट कहानी है, और हिटलर, नाजीज वगैरह पता नहीं क्या क्या उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है। लेफ्ट लिबरल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। आप हमारे भी देश में देखते होंगे, उन्हें जब भी किसी की आलोचना करने के लिए कोई विषय नहीं मिलता ना, तो वो उनके पास एक ही विषय होता है, एक ही शब्द होता है कि भाई ये फासिस्ट है, तुम फांसीवादी हो, तुम हिटलर हो, मोदी हिटलर है वगैरह वगैरह। मतलब अगर किसी की आलोचना करने के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसको तुरंत हिटलर कह दो, फांसीवादी कह दो। तो अमेरिका के भी लेफ्ट लिबरल्स कुछ अलग नहीं है, वहाँ पर भी वही हमेशा बस जो नाजीज बस कितने सालों पहले भाई ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, पर अभी भी उनके नाम पर वो बस किसी का भी विरोध करना हो तो तुम नाजी हो, तुम हिटलरियन हो, तुम फासीवादी हो, पता नहीं क्या क्या, मतलब हद है यार। हालांकि देखा जाए तो वो तो नाजीस की अपेक्षा आज जो कम्युनिस्ट है, उन कम्युनिस्ट शासकों ने दुनिया में क्या क्या किया, उनका जो इतिहास है भाई, हिटलर से भी कई गुना ज़्यादा हत्याएं कम्युनिस्ट शासकों ने की है। पर ये बातें तो कभी इतिहास में पढ़ाई नहीं जाती, इन कम्युनिस्ट शासकों के इतिहास पर, उनके क्रूर इतिहास पर तो कभी फिल्में बनती नहीं है। इसके बाद जो लिबरल महाशय हैं, उन्होंने इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि डिज्नी ने द लायन किंग का ये जो लाइव एक्शन रिमेक किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक एक्टर्स को लिया है, वॉइस आर्टिस्ट के लिए, आवाज़ के लिए, आवाज़ देने के लिए कैरेक्टर्स को, और ब्लैक एक्टर से ही ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इस फिल्म का प्रमोशन करवाया है ताकि सब लोग इसे एक्सेप्ट कर सके। मतलब देखिए, हर जगह पर ये जो तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स है, ये कलर को ढूंढ लेते हैं, नेशनलिटी को ढूंढ लेते हैं, और पता नहीं इतना ये लोग हर समय भेदभाव क्यों करते रहते हैं। हर जगह पर ये लोग खुद आकर भेदभाव करते हैं और फिर दूसरों के नाम से ये बोलते रहते हैं कि भाई तुम इस प्रकार से भेदभाव करते हो या तुम रेसिस्ट हो वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल के बारे में मैं और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बस आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो पश्चिमी देशों के लेफ्ट लिबरल्स है, चलिए वो एक हद तक कुछ परसेंट सही भी हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स में, क्योंकि उनके देशों का जो इतिहास है वो उसी प्रकार से बहुत भयानक रहा है, बहुत क्रूर रहा है, क्योंकि उनके देशों ने उनके रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, साम्राज्यवाद के लिए जिस प्रकार से दूसरे देशों पर आक्रमण किए हैं, दूसरे देशों की संस्कृतियों को नष्ट किया है, उनके देशों की आर्मी ने दूसरे देशों में जाकर क्या क्या किया है कोल्ड वॉर के समय या जो भी हो, तो उनके देशों का इतिहास अलग है। उस हिसाब से अगर वो उनके आर्मी को क्रिटिसाइज़ करे, वो वहाँ पर अगर उनके रिलीजन को हेट करते हैं, उसको पसंद नहीं करते, उसकी आलोचना करते हैं, तो वो वहाँ के लेफ्ट लिबरल्स का इतिहास अलग है, उनके देशों का इतिहास अलग है। पर हमारे देश के जो लेफ्ट लिबरल्स हैं वो इन पश्चिमी देशों के लेफ्ट लिबरल्स को, उनकी जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी है उसको ब्लाइंड होकर फॉलो करते हैं, और यहाँ पर फिर वो नेशनलिज्म का विरोध करेंगे, राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, हमारी सेना को क्रिटिसाइज़ करेंगे, यहाँ पर भी फैमिली वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ का विरोध करेंगे, हमारी संस्कृति का विरोध करेंगे। शायद उन्हें हमारे देश के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। भाई हमारा इतिहास दूसरे देशों से बिल्कुल अलग रहा है, ना ही हमने कभी किसी का ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया, ना ही हमने किसी दूसरे देश पर आक्रमण किया है, हमारी भारतीय सेना ने भी कभी दूसरे देशों में जाकर कोई अत्याचार नहीं किया है किसी के ऊपर। तो ये बातें हमारे देश के लेफ्ट लिबरल्स को समझने की ज़रूरत है।
पर वेस्टर्न लिबरलिज्म को ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हमारे देश के जो लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो लोग, वो अमेरिका में अगर द हैंडमेड स्टेल नाम की एक वेब सीरीज बनाते हैं, टीवी सीरीज बनाते हैं, जिनमें क्रिश्चियन राइट विंग को अमेरिका के क्रिटिसाइज किया गया है, तो उसकी ही एक बहुत ही घटिया सी कॉपी हमारे भी देश के लेफ्ट लिबरल्स बनाते हैं लैला नाम से। वहाँ के जो अमेरिका के लेफ्ट लिबरल्स है, वो द हैंडमेड स्टेल में जो एक बहुत खतरनाक भयानक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया है, उसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से करते हैं। तो हमारे देश के भी लेफ्ट लिबरल्स लैला में जो भविष्य दिखाया, डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया है, उसकी तुलना मोदी सरकार से करते हैं। यानी जो जो भी ये वेस्टर्न जो लेफ्ट लिबरल्स से वो करते हैं, वही हमारे देश के भी लेफ्ट लिबरल्स करते हैं। भाई कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ, क्यों इनको ब्लाइंडली आप फॉलो कर रहे हो? वो लोग किसी भी फिल्म को मिसोजिनिस्टिक कह देते हैं, तो हमारे देश के भी जो लेफ्ट लिबरल्स है, वो भी कोई भी फिल्म आ जाए तो ये मिसोजिनिस्टिक है, ये नारी विरोधी है, पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। भाई बस ये पश्चिमी देशों की एक खोखली विचारधारा को ब्लाइंडली फॉलो करना प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता हजारों सालों से लिबरल ही रही है। हमने दूसरों पर अत्याचार करना, आक्रमण करना तो दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दीजिए, उल्टा जब यहूदी भाइयों पर या पारसी समाज पर पूरी दुनिया में अत्याचार हो रहे थे, तब वे केवल भारत में ही सुरक्षित थे। भाई हम तो हजारों सालों से लिबरल ही रहे हैं। दोस्तों आप इस आर्टिकल के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।